जर्नल अवेयरनेस किड्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न नेक्स्ट टॉपिक इन दिस ओके नेम ऑफ द टॉपिक इज वाइल्ड एनिमल्स वाइल्ड मींस खतरनाक ओके जो हमें हार्म पहुंचा सकते हैं ओके किड्स दे आर नॉट लिविंग इन टू अवर सराउंडिंग्स ये हमारी सराउंडिंग्स में नहीं रहते हैं ओके किड्स दे आर लिविंग इन फॉरेस्ट हियर व्हाट आर वाइल्ड एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स कौन से एनिमल्स को कहा जाता है आज हम वो लर्न करेंगे लास्ट हमने लर्न किए डोमेस्टिक एनिमल्स जो पालतू प्राणी होते हैं जो हमारे घर के सराउंडिंग्स में रहते हैं नाउ वाइल्ड एनिमल्स खतरनाक ओके सी हियर दोज एनिमल्स हु लिव इन जंगल और फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स जो एनिमल्स जंगल या फॉरेस्ट में रहते हैं जंगल तो आपको पता है ट्रीज पूरी ट्रीज पूरा अलग सा एरिया होता है यस वहाँ पे घर नहीं होते हैं फॉरेस्ट और जंगल में वहाँ पे ये वाले एनिमल्स रहते हैं ओके जंगल और फॉरेस्ट में जो रहते हैं उनको बोलते हैं वाइल्ड एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स आर डेंजरस बहुत खतरनाक होते हैं यस किड्स वो हमें बाइट भी कर सकते हैं यस समटाइम्स हमें किल भी कर सकते हैं ओके मार भी सकते हैं हमें दे आर वेरी डेंजरस नेक्स्ट वी कैन फाइंड वाइल्ड एनिमल्स इन द जू एज वेल आप जब जू जाते होंगे आपने देखा होगा वाइल्ड एनिमल्स को कैच करके रखा जाता है डॉग कैट काउ इन सबको आपने देखा होगा आपके घर के आसपास घूमते हुए पर ये वाले एनिमल्स कैच करके रखते हैं बिकॉज दे आर कॉजिंग हार्म टू अस ओके जू में गए हो आप देखे ना आप एनिमल्स बहुत सारे यस वाइल्ड एनिमल्स डज नॉट डिपेंड ऑन ह्यूमंस फॉर देयर फूड एंड शेल्टर वाइल्ड एनिमल्स कभी भी ह्यूमन बींग पे डिपेंड नहीं होते हैं जैसे कि कैट काउ डॉग एक्सेट्रा हम पे डिपेंड होते हैं वैसे ये हम पे डिपेंड नहीं होते हैं वो अपना शिकार खुद करते हैं और खुद खाते हैं ओके किड्स मूविंग टू नेक्स्ट यस किड्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सिक्स वाइल्ड एनिमल्स आज उनके बारे में भी जानेंगे हम एंड वी विल लर्न देयर स्पेलिंग्स ऑल्सो ओके किड्स सी हियर फर्स्ट इज लायन सी इसको जंगल का राजा भी कहा जाता है क्योंकि ये सबसे खतरनाक होता है यस वेरी डेंजरस सी हियर लायन इज कॉल्ड एज किंग ऑफ जंगल जंगल का राजा किंग मींस राजा जो हुकुम करता है जैसे वो सब उसकी मानते हैं बाकी सारे एनिमल्स इससे डरते हैं क्योंकि शिकार करके उनको खा जाता है नेक्स्ट लायंस आर कैप्ट इन जू फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ द पीपल लायंस को जू में रखा जाता है फॉर एंटरटेनमेंट बिकॉज किड्स लव टू सी देम हम उसको जंगल में जाके तो नहीं देख सकते यस वी आर हैविंग फियर सो हम उसे जू में जाके देखते हैं लाइव ओके किड्स नेक्स्ट लायंस स्लीप्स फॉर 18 टू 20 आवर्स अ डे लायन कितने घंटे सोता है हाउ मेनी आवर्स किड्स यस 18 टू 20 लाइक हम कैसे 8 आवर्स सोते हैं बट लायन सबसे ज्यादा सोता है यस एल आई ओ एल लायन मूविंग टू नेक्स्ट टाइगर टी आई जी ई आर टाइगर टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ आवर कंट्री टाइगर हमारी कंट्री का नेशनल एनिमल है जैसे कि लोटस नेशनल फ्लावर है उसी तरह टाइगर नेशनल एनिमल है ओके किड्स नेक्स्ट इज टाइगर हैज ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी आप देखते होंगे काउ व्हाइट ब्राउन मिक्स में आती है यस देखा है ना आपने इन द सेम वे टाइगर की बॉडी में ब्लैक स्ट्रिप्स होती है यू कैन सी इन दिस पिक यस इसकी ये स्किन बहुत अच्छी लगती है जब हम देखते हैं इट्स वेरी अट्रैक्टिव एंड डेंजरस टू नेक्स्ट इज मंकी यस किड्स एम ओ एन के ई वाई मंकी किड्स आप आपके घर की सराउंडिंग्स में से देखते हो लेकिन ये भी बहुत खतरनाक होते हैं हमें बाइट कर सकते हैं हमें हार्म पहुंचा सकते हैं दे आर नॉट लिविंग विद अस दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दे आर लिविंग इन जंगल ऑल्सो ओके किड्स मंकी मेनली लिव्स ऑन ट्रीज कहाँ रहते हैं
ट्री स्टिंग इट ऑफन कम्स ऑन द लैंड इन सर्च ऑफ फूड. वो हमारे यहाँ पे क्यों आते हैं? खाने की तलाश में. आपने देखा होगा अगर आपके रूम या किचन एम्प्टी होंगे, वो अंदर आके अपना खाना लेके चले जाते हैं. बनाना, पोटेटोज, देखा होगा ना? यस. मोस्ट ऑफ द मंकीज लाइक टू ईट बनानास. उनका फेवरेट फूड क्या है? बनाना मींस केला. ओके, एम ओ एन के ई वाय, मंकी. नेक्स्ट इज डी डब्ल्यू आर, डियर. डी डब्ल्यू आर, डियर. Deer eats plants, leaves, grass and fruits. Deer eats plants, leaves, grass and fruits. Deer क्या क्या खाता है? Plant यानी छोटे पौधे, पत्ते, घास फूस जो गार्डन में देखते हैं और फल. Deer ये सारी चीजें खाता है. They can jump high and swim well. वो बहुत बड़ा जंप करते हैं और पानी में भी तैर सकते हैं. Moving to next. Bear. B-E-A-R, bear. Bear can run faster than humans. ये हमसे fast भाग सकता है. Yes kids, bear eat mostly meat and fish. But some bear also eat plants and insects. Bear क्या खाता है? Meat, यानी के non-veg. Fish, उसी में आ गई. यानी के flesh, mass, yes. Okay kids, but bear प्लांट्स भी खाता है और छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी. इंसेक्ट्स कितने छोटे होते हैं, वो भी ये खाता है. प्लांट्स मीन्स पौधे. बी ए आर, बियर. नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज जेब्रा. जेड ई बी आर ए, जेब्रा. जेब्रा हैज अ यूनिक पैटर्न ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स. सी हियर, वेरी अट्रैक्टिव स्किन. यस, हमारी देखो कैसे है, कोई व्हाइट होता है, कोई ब्लैक होता है, बट इसकी देखो कितनी अट्रैक्टिव है. यस, व्हाइट एंड ब्लैक मिक्स, लुकिंग नाइस. ओके, यूनिक पैटर्न है, इसको क्या बोलते हैं? जेब्रा. जेब्रास हैव एक्सीलेंट आई साइट एंड हियरिंग. उनकी आई साइट बहुत पावरफुल होती है, वो दूर तक देख सकते हैं. और हियरिंग पावर भी बहुत फास्ट होता है, मीन छोटा सा आवाज भी उन्हें अच्छे से जल्दी सुनाई दे जाता है. Okay kids, now we will write all the spellings and learn them properly. Have a look. So now kids, moving to the main part, that is writing part. Now we will write all spellings that we have learned. Okay kids, see here. Name of wild animals means jungli janwaron ke naam. Jungli janwaron ke naam. Okay kids, now we will start writing. First put number 1 inside margin. Margin ke andar number 1 likhna hai. Okay kids, now we will write on this side of margin. First animal was lion. L-I-O-N, lion. So we will write over here. L should be always capital. Yahan pe dekho L capital hi chahiye. L I O N, lion. Repeat with me. L I O N, lion. Next, what we have learned? Yes, kids. Next animal. Yes, national animal. Kaun hai? Yes, tiger. We will write the spelling of tiger. Put number 2 in margin. T I G E R, tiger. T I G E R, tiger. Repeat with me. T I G E R, tiger. T I G E R, tiger. Moving to number 3, kids. Put number 3 in margin. Which animal was there after that? Yes kids, deer. D double E R, deer. D capital, D double E R, deer. D double E R, deer. D double E R, deer. Moving to number 4. Put
फूड नंबर फोर इन मार्जिन फोरना मंजर लिखेंगे. विच वॉज द एनिमल, कौन सा एनिमल था? यस किड्स, बियर. बालू, बी ई ए अप बियर. बी कैपिटल, ई ए आर बियर. रिपीट विथ मी, बी ई ए आर बियर. बी ई ए आर बियर. ओके किड्स, बी ई ए आर बियर. मूविंग टू नेक्स्ट एनिमल, दैट वॉज नंबर फाइव, मंकी. यस किड्स, एम कैपिटल, एम ओ एन के ई वाई, मंकी. एम ओ एन के ई वाई, मंकी. अगेन एम ओ एन के ई वाई, मंकी. किड्स, वाई बिलो द नाइन, ऐसे ही जाना चाहिए, कोई ऊपर या ऐसा वाला नहीं लिखेगा, ये रॉन्ग है. एम ओ एन के ई वाई, मॉकी. एम ओ एन के ई वाई, मॉकी. ओके किड्स, मूविंग टू नेक्स्ट नंबर, नंबर सिक्स, राइट इनसाइड मार्जिन लाइन. यस, लास्ट एनिमल जिसकी वाइटल नेक्स्ट स्ट्रिप्स है. यस, अट्रैक्टिव ज़ेब्रा. यस, ज़ेब्रा, Z E B R A, Z E B R A, ज़ेब्रा. Z E B R A, ज़ेब्रा. Z E B R A, ज़ेब्रा. किड्स, आप रोड पे देखते होंगे व्हाइट एंड ब्लैक स्ट्रिप्स, उसको हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी बोलते हैं. यस, उसको हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं. सी दैट काइंड ऑफ स्ट्रिप्स वी सी ऑन ज़ेब्रा एनिमल, इसलिए उसको ज़ेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं. ओके, आपने देखा है ऑन रोड. यस, सो वी हैव लर्न दीज सिक्स वाइल्ड एनिमल्स. किड्स, नाउ वी विल रिपीट ऑल द स्पेलिंग वंस. यू हैव टू राइट दिस इन योर नोटबुक, ओके, एंड लर्न प्रॉपरली. रिपीट विथ मी. L-I-O-N, lion. L-I-O-N, lion. T-I-G-E-R, tiger. T-I-G-E-R, tiger. D-double-E-R, deer. D-double-E-R, deer. B-E-A-R, beer. B-E-A-R, beer. M-O-N, K-E-Y, monkey. Zebra, Z E B R A, Z E B R A, zebra. Kids, you have to write this. We will meet soon again.